जी नाजरीन, आज हम फैसलाबाद के सबसे कदीम एरिया में मौजूद हैं, क्रिश्चियन टाउन में, और क्रिश्चियन टाउन के जो मसाइल हैं उस पर हम चौधरी सुलेमान साहब से बातचीत करें। थैंक यू सो मच जी, नेशनल न्यूज़ नामा का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ जी साहब का कि आज हम क्रिश्चियन टाउन में हमारे इशूज से बात करने के लिए हमारे पास तशरीफ लेके आए। और मैं बात करना चाहता हूँ एजुकेशन के हवाले से। ये स्कूल जिसको हम जिस पे हम खड़े हैं, ये गवर्नमेंट अमेरिकन मिशन स्कूल है, ये पाकिस्तान बनने से भी पहले का स्कूल है और ये कदीम स्कूलों में इसका शुमार होता है। 100+ 108 साल हो चुके हैं इस स्कूल के बने हुए, और ये 108 साल पहले जब बना था तब भी ये प्राइमरी था और ये आबादी क्रिश्चियन कम्युनिटी की यहाँ पे थी। और आज 2023 साल हो गए हैं और अब भी ये प्राइमरी है, ना इसकी कोई बिल्डिंग की रिपेयरिंग हो सकी है, ना इसकी कोई इसको अपग्रेड किया जा सका है। बल्कि हमारे इधर जो मॉडल टाउन बी में है, जो मॉडल टाउन ए में है, उन स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। मैं समझता हूँ कि शायद ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से, क्योंकि ये घर है यहाँ पर, तो इसकी तरफ कोई खातर का तवज्जो नहीं दी गई, ना सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से बल्कि हमारे जो पॉलिटिकल नुमाइंदगान हैं उनकी भी तरफ से इस स्कूल को कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई। तो इस तरफ इसलिए लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि हमारी एक एडजस्टेड आबादी है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और इसमें सारा स्कूल में चूँकि क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं, क्रिश्चियन बेटे बेटियाँ पढ़ते हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट ने एक किताब दिला दिया है ये मामा के साथ, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे साथ से गवर्नमेंट ये बात करे क्रिश्चियन कम्युनिटी के किताब में। मैं तैयार हूँ इस सारी कोशिश को लेके आगे बढ़ने के लिए ताकि हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, हम उन्हें अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। साथ हमारा चर्च भी है जो उस वक्त से है, हम सुबह चर्च में उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, चर्च इबादत करवा सकते हैं और फिर हम इसको अपने प्रॉपर तरीके से उसको एजुकेट कर सकते हैं। तो मेरी इस आवाज़ को मैं एन एल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, इंजीनियर साहब के तरफ से मैं चाहता हूँ कि हम इसको बढ़ोतरी दें ताकि हम इसमें सक्सेसफुल हो सकें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।